गलवान झड़प के आज एक साल पूरे हो गए हैं। पड़ोसी चीन अभी भी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने भी ड्रैगन की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयारी कर ली है। पिछले साल आज के दिन गलवान में भारतीय और चीन के जवानों का आमना सामना हुआ था, जिसमें मां भारती के वीर सपूतों ने ड्रैगन के रेड आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया था। पीएलए के कई जवानों की मौत हो गई थी, लेकिन भारतीय रणबांकुरों से मिली शिकस्त के बाद ड्रैगन अपने जवानों की मौत पर ही पर्दा डालने लगा था। गलवान झड़प के पूरे 365 दिन हो गए हैं, लेकिन धोखेबाज चीन एलएसी के पास डेरा डाले हुए है। भारत ने पिछले एक साल में सीमा पार पर बुनियादी ढांचे को बेहतर किया है। एक साल में भारतीय सेना और वायुसेना ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है। सेना ने लद्दाख में 50,000 से 60,000 सैनिकों की मौजूदा तैनाती को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया है। राफेल लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल करके भारतीय वायुसेना ने पहले से अधिक ताकतवर हो गई है। यही नहीं, भारत ने तेजी से सुरक्षा बल जुटाने के लिए, कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बेहतर सड़कों के निर्माण कार्य पर भी जोर दिया है। इस झड़प से युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। पिछले साल अगस्त के अंत तक पेंगोंग झील का क्षेत्र एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।